हेलो फ्रेंड्स, MongoDB सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं कि MongoDB में आप अपडेट क्वेरी कैसे यूज करते हो। तो इसके लिए आपको याद रखना है, यदि आप डेटाबेस में काम कर रहे हो तो वहां पे डायरेक्टली आपको अपडेट वन और अपडेट मेन्यू यूज करना है। अपडेट वन मतलब एक डॉक्यूमेंट को अपडेट करना और अपडेट मेन्यू मतलब मोर देन वन डॉक्यूमेंट को अपडेट करना। लेकिन यदि आप दूसरी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो और उसके थ्रू आप MongoDB से कनेक्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको लिखना होता है अपडेट वन और अपडेट मेनी, बीच में अंडरस्कोर आता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे क्या करते हैं, MongoDB को लॉन्च कर लेते हैं। तो CMD, तो सबसे पहले डेटाबेस सर्वर को लॉन्च कर लेते हैं। तो यहां पे MongoDB एंटर, एक और ओपन कर लेते हैं CMD, ये वर्कस्पेस होगा हमारा। तो यहां पे mongo.exe एंटर। सबसे पहले यहां हम लोग करते हैं शो dbs एंटर। तो यहां पे आप देख सकते हो जो हमने डेटाबेस बनाया है स्टूडेंट्स नाम से वो यहां पे शो हो गया है और साथ ही में हमने कस्टमर्स के नाम से भी बना रखा है। तो हम लोग फिलहाल स्टूडेंट्स वाले में सारे काम करेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के अंदर जाते हैं। तो यहां पे लिखा यूज स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के अंदर आ गए हम लोग। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि टेबल्स हमारे कौन कौन से हैं। तो यहां पे कर लिया शो टेबल्स एंटर। तो स्टूडेंट नाम का टेबल पड़ा हुआ है हमारा। यहां पे स्टूडेंट को एक्सेस करते हैं तो डीबी डॉट कलेक्शन नेम। तो यहां पे स्टूडेंट डॉट फाइंड एंटर। तो देख सकते हो ये सारे डेटा हमारे पास पड़े हुए हैं। अब हमें क्या करना है, अपडेट क्वेरी यूज करना है। तो अपडेट बेसिकली क्या करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकता है। तो सपोज यहां पे जो आईडी हमारा 11 है इसको यदि हमें 3 करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो यहां पे आप लिख सकते हो डीबी डॉट कलेक्शन नेम जो कि स्टूडेंट है, और चूंकि अपडेट करना है तो यहां पे आपको लिखना है अपडेट वन, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है। यदि आप वन नहीं भी दोगे, सिंपली अपडेट लिखोगे, तो ये क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट को अपडेट करेगा। तो आपको याद रखना है एक डॉक्यूमेंट के लिए अपडेट या अपडेट वन, और मोर देन वन डॉक्यूमेंट के लिए अपडेट मेनी। यहां पे ब्रैकेट और यहां पे कर्ली ब्रैकेट। तो हमें आईडी को अपडेट करना है तो यहां पे कर लिया आईडी, कौन सा वन वन वाले आईडी को अपडेट करना है तो यहां पे वन वन। तो अपडेट के लिए यहां पे कॉमा, एक और लेना है कर्ली ब्रैकेट, यहां पे लेना है डॉलर सेट, और यहां पे आपको फिर से कॉलन देना है, फिर से कर्ली ब्रैकेट, और यहां पे आपको लिखना है आईडी 3। जिसको अपडेट करना है उसको हमको पहले लिखना है कर्ली ब्रैकेट में, उसके बाद फिर से कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, डॉलर सेट लेना है, और क्या अपडेट करना है तो आईडी में हमें 3 अपडेट करना है। तो यहां पे फिर से आपको कर्ली ब्रैकेट लेना है। देखिए ये 5-6 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कब कर्ली ब्रैकेट लेने हैं, कब नहीं लेने हैं। तो यहां पे एंटर करते हैं तो देख सकते हो यहां पे बोल रहा है मैच्ड काउंट 1, मतलब एक मैच हुआ है जो कि ये वाला है, और मॉडिफाइड काउंट 1, मतलब मॉडिफाई भी एक हुआ है। तो यदि यहां पे आप कमांड चलाते हो डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट फाइंड एंटर, तो यहां पे आप देख सकते हो आईडी हमारा 3 आ गया है। तो इस तरह आप अपडेट करते हो। सपोज यहां पे हम अपडेट कर रहे हैं कि जो नेम हमारा संजीत है ये चेंज होके संजू हो जाए, तो उस केस में क्या कर सकते हो, सेम वही कमांड चलेगा डीबी डॉट स्टूडेंट डॉट अपडेट वन, यहां पे कर्ली ब्रैकेट में नेम जो संजीत है ये क्या हो जाना चाहिए, संजू। तो यहां पे कर्ली ब्रैकेट में डॉलर सेट कॉलन, फिर से कर्ली ब्रैकेट, नेम हो जाना चाहिए हमारा संजू। लेकिन यदि आप इसको रन करोगे तो ये एक डेटा को अपडेट करेगा, यहां पे आपके पास 2 डेटा पड़े हुए हैं, तो इसके लिए यहां पे आपको लिखना पड़ेगा मेनी। बस ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, मोर देन वन डेटा के लिए आपको मेनी यूज करना है। तो मेनी कर लिया, अब इसको कर लेते हैं एंटर। तो देख सकते हो यहां पे बोल रहा है मैच्ड काउंट 2, मतलब 2 मैच हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला।
और मॉडिफाई भी हमारा दो हुआ है। तो यदि यहां पे आप सेम कमांड चलाते हो db.student.find एंटर, तो यहां पे आप देख सकते हो जो हमारा नेम था वो संजू चेंज हो गया है। तो इस तरह आप अपडेट कर सकते हो। यदि आपको साथ में यूज करना है, सपोज आईडी हमारा 2 है, उसमें जो नेम सोहेल है वो चेंज होके संजीत में कन्वर्ट हो जाए, तो उसमें आप कैसे कर सकते हो? सिम आपको वही करना है, db.student.update1 करना है, क्योंकि आपको इसको अपडेट करना है। ब्रैकेट, यहां पे कर्ली ब्रैकेट, यहां पे हमें क्या करना है, जो हमारा नेम सोहेल है जिसका आईडी 2 है उसको हमें चेंज करना है। तो यहां पे आप ले सकते हो आईडी 2 कॉमा नेम सोहेल, इसको हमें अपडेट करना है, तो कॉमा बाहर में आएगा, डॉलर सेट कॉलन कर्ली ब्रैकेट, इसमें हमें नेम करना है संजीत। तो इस तरह मोर देन वन फील्ड के लिए सेट कर सकते हो। तो यदि यहां पे आप करते हो एंटर, तो देख सकते हो यहां पे बोल रहा है मैच काउंट 1 और मॉडिफाई काउंट 1। यदि यहां पे करोगे db.student.find एंटर, तो यहां पे देख सकते हो जो आईडी 2 था वो यहां पे अपडेट हो गया संजीत के नाम से। तो इस तरह अपडेट क्वेरी यूज कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।